अम्बाला जिले में आज 37 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इन 37 मामलों को मिला के अम्बाला जिले में टोटल पॉजिटिव केसों की संख्या 10,404 हो गई है। 50 केस आज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। तो कोरोना संक्रमण को जो हराने वालों की संख्या, केसों की संख्या 9,780 हो गई है और आज के टाइम पे 497 एक्टिव केस हैं। आज दो डेथ हुई हैं, एक इसमें 55 वर्षीय एक महिला थी जिसको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन थी, उसकी डेथ हुई है। ये शहजादपुर की रहने वाली थी। दूसरी अम्बाला सिटी के हैं, 74 वर्षीय मेल हैं जिनको दिल की बीमारी थी, उनकी डेथ हुई है। इनकी एलकेमिस्ट पंचकुला में डेथ हुई है। जो आज के सामने आए हैं उनमें अम्बाला सिटी से 17 हैं, अम्बाला कैंट से 13 हैं, जो अम्बाला सिटी का पैरियर बने दिया है उससे 2 हैं, नारायणगढ़ से 1 है, एक शहजादपुर के ग्रामीण एरिया से है, 2 बराड़ा से हैं, 1 मुलाना से हैं। टोटल 37 केस आज नए सामने आए हैं। इसके साथ ही हमने पिछले दिनों 5,000 टेस्ट लिए थे जिनकी पॉजिटिविटी 3% से कम आई है। तो इसका मतलब ये है कि संक्रमण कुछ हद तक कंट्रोल में हुआ है और लोगों में आपके, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया के साथियों का, अभी आप लोगों की जागरूकता के कारण लोग अब सैंपल को सामने आ रहे हैं। जैसे आज भी लगभग 1800 के आसपास हम सैंपल कलेक्ट कर पाए हैं और इतने सैंपल रोज़ की रोज़ प्रोसेस हो रहे हैं। तो इसके कारण जितने ज़्यादा सैंपल प्रोसेस हो रहे हैं उतने ज़्यादा जल्दी लोगों को हम, अगर किसी को कोरोना संक्रमण अलग कर पा रहे हैं और समाज में भी फैलने से कोरोना से हम लोगों को बचा पा रहे हैं।